ओम शांति। ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी 888 क्लैरिफाइड ऑन 9th मार्च 2008 एट मुंबई महाराष्ट्र। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है पहली अप्रैल 1968। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 1st अप्रैल 1968। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाज। द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल गॉड शिव स्पीक्स। अपने शालिग्रामों के प्रति। टू हिज शालिग्राम्स। शालिग्राम्स मीन्स small round pebbles worshipped in the path of devotion. किसके प्रति? To whom? अपने शालिग्रामों के प्रति माना। To his shaligrams. What does it mean? जो भी राजयोग सीख कर बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाले हैं उनके प्रति। It is to all those who learn Raj Yoga and settle in the seed form stage. Baba ne jo ye mahavakya uchare. These great versions, that is mahavakya that Baba spoke. In mahavakyon ko aur koi samajh nahi sakta. Cannot be understood by everyone. Ke shaligramon ke prati hi Bhagwan vach kyon? That why God Shiv speaks only to the Shaligrams. परंतु ये बातें सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। In fact, these aspects can be understood only by the children. इसमें क्या समझने की बात है? What is there to be understood in this? समझने की बात क्या हुई कि भगवान वाच स्पेशल के प्रति क्यों? What is there to be understood in this that God speaks especially for them? भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है। God is the father of all the souls. तो सभी आत्माओं के प्रति भगवान वाच क्यों नहीं? Then why is God's speech not for all the souls? Someone said something. Yes. जो बच्चे बेसिकली ही अपनी कट नहीं उतार सकते, आत्मिक रूप में बेसिकली भी स्थित नहीं हो सकते, अपने को आत्मा समझने की स्टेज पर ही नहीं पहुंचे, तो उनको समझाना न समझाना बेकार हो जाता है। Those children who cannot remove their rust basically in the basic knowledge, who cannot settle in the soul form basically, who have not reached even the stage of considering themselves as souls, to explain or not becomes futile. जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई कोई पॉइंट बताई जाए तो समझाना न समझाना बेकार है। For example, if some deep points are narrated to small children, it becomes futile whether you explain to them or not. ऐसे ही जो यहाँ शालिग्राम बन करके बैठे हुए हैं, उनके प्रति ही भगवान वाच है। Similarly, God's words, that is भगवान वाच, are only for those who are seated in the form of शालिग्राम्स here. ब्रह्मा बाबा को शालिग्राम कहे या न कहे? Can ब्रह्मा बाबा be called a शालिग्राम or not? है? शालिग्राम नहीं कह सकते। You cannot call him शालिग्राम। इसीलिए उनकी बुद्धि में अब तक पढ़ाई का मुख्य पॉइंट कौन सा नहीं बैठा? Therefore, which main point of the studies has not yet sat in his intellect? No.
गीता का भगवान ये पॉइंट बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा. द पॉइंट द गॉड ऑफ द गीता हैज नॉट येट सेट इन हिज इंटेलेक्ट. तो बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं. ओनली द चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स. क्योंकि ये पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई. बिकॉज दिस स्टडी इज द डिवाइन दैट इज गॉड स्टडी. वेद का बाप आकर के पढ़ाते हैं. द अनलिमिटेड फादर कम्स एंड टीचेस. इसमें सिवाय पढ़ाई के और कोई बात नहीं है. देर इज नथिंग अदर देन स्टडीज. इसको याद भी क्यों कहें. Why should it be called remembrance? जरूर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाला याद तो आता होगा. Certainly those who study do remember the teacher. पढ़ाने वाला याद आता होगा. Perhaps they remember the teacher. जो भी साथी हैं वो याद तो आते हैं ना. The companions would be remembered, wouldn't they? बाप जो तुमको पढ़ाते हैं उनको खास कहना पड़ता है. The father who teaches you has to specially say. कि मैं तो दूर देश से आया हूँ पढ़ाने के लिए. I have come to teach from a far off land. तो अभी सिर्फ मुझे याद करो. So now remember only me. बाप को कहना पड़ता है क्योंकि ये नई प्रकार का टीचर है. The father has to say this because this one is a new type of teacher. और कोई भी टीचर ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो. No other teacher will say remember me. और सिर्फ मुझे याद करो. And remember me alone. स्टूडेंट ऑटोमेटिकली याद करते हैं. The students remember the teacher automatically. और यहाँ कहना पड़ता है. And over here they have to be told. ये भी तुम जानते हो कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं. You do know that the spiritual father teaches us. पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी बाप नहीं है. The teacher is not a bodily father. रूहानी बाप इन आँखों से देखने में नहीं आता है. The spiritual father cannot be seen through these eyes. परंतु पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए. But he teaches us, so he certainly needs a mouth to teach. साकार चाहिए. He needs a corporeal body. तो साकार देखने में आता है. Hence, the corporeal one is visible. परंतु ये निश्चय की बात है. क्या. But this is a matter of faith. What? साकार कब देखने में आवेगा. When will the corporeal one be visible? साकार हमें पढ़ाए रहा है मुख के द्वारा. The corporeal one is teaching us through the mouth. ये देखने में कब आवेगा. When will this be visible? जब ये निश्चय बैठ जाए कि पढ़ाने वाला इसमें सुप्रीम बाप बैठा हुआ है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है. It is when you have the faith that the one who teaches is the supreme father who is seated in him, the one who is not visible through these eyes. परंतु ये निश्चय की बात है माया रूपी दुश्मन तुमको भुलाए देती है. बट दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ. माया इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमी मेक्स यू फॉरगेट. जो न भुलाने की बात है वो भी भुलाए देती है.
She makes you forget even those things which you are not supposed to forget. नहीं तो शिक्षा देने वाले को कब कोई भूलते नहीं है. Otherwise, no one forgets the teacher who teaches. परंतु यहाँ बच्चे कह देते हैं सुप्रीम टीचर को कि हम स्टूडेंट आपको भूल जाते हैं. But here, the students tell the supreme teacher, we students forget you. बाप कहते हैं भूल जाने से तो तुम्हारा ही नुकसान होता है. The father says, if you forget, then you are at loss. तुम आत्माएं जो तम प्रधान से सतो प्रधान बनने आए हो उनको तो जरूर याद करना है. You, the souls who have come to become pure, that is sato pradhan, from impure, that is tamo pradhan, certainly have to remember the father. यही जो डिफिकल्ट बात है. This itself is the difficult task. क्योंकि वो बाप है और निराकार है. Because he is the father, he is incorporeal. और सारे 5000 वर्ष में कब कोई ने ऐसा नहीं कहा है कि बच्चों मुझे याद करो. No one else has ever said in the 5000 years, children, remember me. सुप्रीम बाप को याद करना पड़ता है. The supreme father has to be remembered. बाकी दुनिया तो कब ऐसे होता नहीं है. It never happens like this in the rest of the world. सतयुग में भी नहीं होता है. It doesn't happen even in the golden age. कल्प के संगम युग पर ही तुम याद करते हो. You remember only during the confluence age of the cycle. तो ये नई बात हुई ना. So this is a new point, isn't it? बाप को, टीचर को, गुरु को निरंतर याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे. Remember the father, the teacher, the guru continuously, only then the sins will be destroyed. खंडित याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे. The sins will not be destroyed through broken remembrance. अखंड याद में टिकेंगे तो तम प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे. You will become pure from impure if you become stable in the uninterrupted remembrance. बाप तुमको ये शिक्षा देते हैं. The father teaches you this. इसमें हठ योग क्रियाएं आदि कुछ भी नहीं है. So there is no practice of hatha yoga activities in this. Hatha yoga means a form of yoga consisting of rigorous physical exercises and breath control. नामी ग्रामी महर्षि जो है वो सभी कुछ न कुछ हठ योग ही सिखलाते हैं. The famous Maharshis teach only Hatha Yoga to some or the other extent. Vilayat mein jaakar ke bhi Hatha Yoga siklate hain. They even go abroad and teach Hatha Yoga. Akhbaron mein bhi unke chitra aate hain. Their photos appear even in the newspapers. Jaise garbh mein bachcha hota hai. ऐसे ऐसे करके सुला देते हैं. They make them lie down like a child in a womb. कहेंगे ब्रह्म को याद करो. They will say, remember ब्रह्म. परंतु वो अभी पूरा नहीं करते.
but that too they do not do it completely. ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं. All these are ways of the path of religious devotion. वो सब कलयुग में होती है. All those things happen in the Iron Age. अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर. Now you are in the auspicious confluence age. जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है. About which no one knows except you Brahmins. और संगम युग पर ही बेहद का बाप आते हैं. Moreover, the unlimited father comes only in the confluence age. तो जब किसी को पता ही नहीं है तो जरूर मुझेंगे. When no one knows, they will certainly be confused. कोई शास्त्रों में भी ऐसी बातें नहीं है. These things are not there in any of the scriptures either. पढ़ाते हैं बाप तो जरूर कुछ लिखत में भी होना चाहिए. The father teaches, so certainly there should be something in a written form. और इस पढ़ाई की लिखत भी सिर्फ संगम युग पर ही होती है. And the inscription of this study is available only in the confluence age. आगे पीछे इस पढ़ाई की लिखत नहीं होती. The inscriptions of this study are not available before or after that. तुम पढ़ते हो लिटरेचर मैगजीन आदि छपते रहते हैं. You study literatures, magazines, etc. are printed. बच्चों को ये पक्का होना चाहिए हम संगम युग पर हैं. The children should be firm on this that they are in the confluence age. ये है पुरुषोत्तम संगम युग. This is the elevated confluence age, that is पुरुषोत्तम संगम युग. बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर को भूल जाते हैं. The children forget the word elevated, that is पुरुषोत्तम. तुम्हारी भाषा अर्थ सहित एक्यूरेट होनी चाहिए. Your language should be meaningful and accurate. अगर पुरुषोत्तम ही नहीं तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा. इफ पुरुषोत्तम इज नॉट देयर देन हाउ विल इट बी द पुरुषोत्तम कॉन्फ्रेंस एज. जरूर पुरुषोत्तम को जानना पड़े. डेफिनेटली यू विल हैव टू नो द पुरुषोत्तम. ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है. This is the beneficial पुरुषोत्तम संगम युग. और ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है. एंड द वर्ड पुरुषोत्तम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसका अर्थ क्या है. What does it mean? पुरुषों में उत्तम पार्टधारी. The actor who is the best among the souls, that is पुरुष. उनकी फिर समझानी भी देनी है. Then it should be explained as well. ऐसे नहीं कि समझ लिया और खलास. It is not so that you understood and it finishes at that. कलयुग अंत के भी मनुष्य देखो सतयुग आदि के भी मनुष्य देखो. Look at the human beings of the end of the Iron Age as well as the human beings of the beginning of the Golden Age. कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये है संगम युग. This is the confluence age of the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age. इनको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है. This is called the beneficial confluence age. और जो भी युग होते हैं उनमें तो नीचे ही उतरना होता है. In all the other ages, we will only have to descend. उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे. They will not be called beneficial.
दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं। We keep descending day by day. कला कमती होती जाती है। The celestial degrees go on decreasing. इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। That is the reason why no other age will be called Purushottam. तो पुरुषोत्तम युग कब से कहे? From when shall we call it the Purushottam age? अगर 76 से कहे तो उससे पहले का क्या कलयुग था? If we say it from the year 76, then was it the Iron Age before that? है? जैसे और सामान्य संगम युग होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का संगम तो होता है ना? Just like the other ordinary confluence ages, the one between the golden age and the silver age, the one between the silver age and the copper age, the one between the copper age and the iron age, they are confluences, aren't they? ऐसे ही सन 36 से भल भगवान बाप आया, परंतु पुरुषोत्तम को किसी ने प्रैक्टिकल में साकार में जाना नहीं। सिमिलरली although गॉड द फादर केम फ्रॉम द ईयर 36, नो वन recognized द पुरुषोत्तम प्रैक्टिकली एंड इन द corporeal फॉर्म। तो बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर भूल जाते हैं। So the children forget the word Purushottam. ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। The word Purushottam is absolutely necessary. कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। It is the beneficial Purushottam confluence age. क्योंकि और जो भी युग है उनमें नीचे उतरना होता है। Because in all the other ages we have to descend. तो 36 के मुकाबले 76 में नीचे उतरना कहे या ऊंचे चढ़ना कहे? So with respect to 36, shall we say that in 76 it was coming down or rising high? है? Someone said something. नीचे उतरना कहे? Shall we say it was coming down? 36 से लेकर के 76 तक नीचे उतरना हुआ या ऊपर चढ़ना हुआ? From 36 to 76, was it descending or ascending? कुछ कह रहे हैं नीचे उतरना हुआ, कुछ कह रहे हैं ऊपर चढ़ना हुआ। Students said something. Some are saying it was descending and some are saying it was ascending. है? Someone said something. हाँ, 76 में जो भी आत्माएं 76 से उत्तमता को पहचानती जाती है, उत्तम पुरुष को पहचानती जाती है, उनकी चढ़ती कला होती है। Yes, all those souls who start recognizing the best soul from 76 are in the ascending stage of the celestial degrees. कोई कहे शूटिंग पीरियड में उतरती कला भी होनी चाहिए? Some may say there should also be the descending stage in the shooting period. उतरती कला भल होती है शूटिंग के हिसाब से। Although the reduction of the celestial degrees takes place in respect to the shooting, लेकिन फिर भी याद जो accurate है, उस accurate याद की practice
बढ़ती जाती है. द प्रैक्टिस ऑफ द एक्यूरेट रिमेम्बरेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसलिए टोटल क्या कहेंगे? दैट इज व्हाई व्हाट विल इट बी कॉल्ड इन टोटल? चढ़ती कला. द एसेंट ऑफ द सेलेस्टियल डिग्रीज. तो और योगों में दिन प्रतीत उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है. इन द अदर एजेस वी कीप डिसेंडिंग डे बाय डे, द सेलेस्टियल डिग्रीज रिड्यूस. इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे. That is why no other age will be called the Purushottam age. सब सुल बच्चे ही ऐसे ऐसी पॉइंट धारण करके औरों को समझा सकते हैं. Only the serviceable children can imbibe such points and explain to the others. महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नंबरवार तो होते हैं. They are indeed number wise, the elephant mounted warriors, the horse riders, the foot soldiers. ये तो तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं. जिसमें बाप प्रवेश करते हैं वो भी जानते हैं. यू नो एज वेल एज द फादर नोज दिस, द वन इन हुम द फादर एंटर्स ऑल्सो नोज. कोई तो कुछ भी नहीं समझते. सम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल. अपना ही देह अभिमान बहुत रहता है कि हम तो समझा ही सकते हैं. They have a lot of their own ego that they can explain. परंतु बाप तो जानते हैं, नाम लेने से पंगे हो जाएंगे. But the father knows they will be completely disturbed if he took their name. इसलिए उनका नाम कहना नहीं होता है. That is why their names are not taken. ये बाप ही समझाते हैं. The father himself explains. बाप ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है. The father alone is all knowing, the ocean of knowledge. मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो सभी के दिलों को जानते हैं. The human beings think that God knows the inside of everyone's heart. वो जाने जाने ना आ रहे हैं. He is omniscient. इसीलिए नॉलेजफुल है. That is why he is all knowing. बाप कहते हैं नहीं, मैं कोई जाने जाना आहार नहीं हूँ. The father says no, I am not omniscient. ये कहना रॉन्ग है. It is wrong to say so. मैं नॉलेजफुल क्यों कहलाता हूँ? Why am I called all knowing? इसलिए नॉलेजफुल कहलाता हूँ कि मैं सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ. I am called all knowing because I sit face to face and explain. बाप ही समझाते हैं और कोई को समझाने आएगा ही नहीं. The father himself explains. No one else will know how to explain. बेसमझ को समझ देने वाला एक ही बाप है. The father is the only one who gives intelligence to the dull-headed, that is बेसमझ. ये पढ़ाई है. This is study. बाप कहते हैं मैं सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ. The father says, I am the living seed of the human creation. इस कारण मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ. That is the reason why I know the beginning, middle and the end of the world. इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं. That is the reason why I am called all knowing. ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं. No human beings know this. वो खुद ही कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते. They themselves say, we do not know the beginning, middle and end of the creator and the creation.
और ये बात शास्त्रों में भी है. Moreover, this fact is also in the scriptures. क्या? What? नीति नीति की बात शास्त्रों में आई हुई है. The fact, neti neti, that is, we do not know the beginning, middle and end of the world, has appeared in the scriptures too. ये है बेहद की बातें. These are unlimited aspects. इनसे फिर हद के नाटक आदि बनाते हैं. They make the limited dramas and so on from this. एक 468 की वाणी का दूसरा पेज. The second page of the Vani dated 1468. ये भी बच्चे जानते हैं. हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा. The children also know that the limited inheritance is received from the limited father and the unlimited inheritance will be received from the unlimited father. बेहद का वर्षा देने वाला बाप उसको सभी याद करते हैं. Everyone remembers the father who gives the unlimited inheritance. और वो क्या वर्षा देते हैं ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आता. Nobody knows until now what inheritance he gives. गायन करते हैं परंतु उनको ये पता नहीं है कि बेहद का टीचर भी है. They do praise him, but they do not know that he is also the unlimited teacher. और वो बेहद का टीचर पतित पावन भी है. लिबरेट करने वाला है. In addition, that unlimited teacher is the purifier of the impure ones as well. He is the liberator. सदगति करने वाला है. He is the giver of true salvation. बल बाप भी कहते हैं. परंतु सिर्फ कहते हैं कि वो गॉड फादर है. Although they call him the father, they only say that he is God the father. वो कब आवेगा कैसे आवेगा बेचारों को पता ही नहीं है. The poor fellows do not know when he will come and how he will come. शास्त्रों में लिख दिया है. They have written in the scriptures. कलयुग की आयु इतनी लंबी. The duration of the iron age is so long. यहाँ भी कोई आया था. Someone came here as well. कहा कि ये क्या बैठ लिखा है. He said, what have you written? ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है कि षष्ठी चक्र 5000 वर्ष का है. This is your own imagination that the world cycle is of 5000 years duration. तुम्हारी कल्पना को ये सभी फॉलोअर फॉलो करते हैं. All your followers follow your imagination. फिर कहने लगा ये संसार बना ही नहीं. अब जिसको जो आता है सो सुनाता रहता है. Then he started to say, this world has not been made at all. Well, whoever knows whatever, they keep narrating it. कहा ईश्वर सर्वव्यापी है. He said, God is omnipresent. वो सर्वव्यापी बाप ही ये सब खुला खेल करते हैं. That omnipresent father himself does all this play openly. ये सारा ईश्वर का खेल है. All this is God's play. ऐसे ऐसे भी बहुत निकल पड़ते हैं. Many come who are like this. एक दो से सुनते हैं तो सुन करके बोलते रहते. They listen to one another. Then after listening they keep repeating. ऐसी बातें करते करते उतरते उतरते कलयुग के अंत में आ जाते.
While speaking such things, they descend and come down to the end of the Iron Age. फिर जब कलयुग का अंत सतयुग की याद होती है तब ही तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है. Then, when it is the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age, only then your ascending stage of the celestial degrees takes place. ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती हैं. All these things sit in the intellect of you children. भक्ति मार्ग में तो उतरते ही रहते हैं. In the path of religious devotion, you definitely keep descending. भक्ति को कहेंगे उतरता मार्ग. भक्ति विल बी कॉल्ड द डिसेंडिंग पाथ. ज्ञान है चढ़ती कला. नॉलेज इज द असेंडिंग पाथ ऑफ द सेलेस्टियल डिग्रीज. बाप आवेंगे तो तुम बच्चे चढ़ जावेंगे. When the father comes, your children will ascend. फिर समय पर उतरना होता है. Then, when the time comes, you will descend. पुनर्जन्म तो सभी बोले नहीं होता. Certainly, everyone has to be reborn. पहले आधा कल पर प्रारब्ध मिलती है, उसमें भी कलाएं तो उतरती जाती है ना. At first, you will attain the fruits for half a cycle, but even in that, the celestial degrees lessen, don't they? Ravan Raj. After that, it is the kingdom of Ravan. Dynasty akshar bhi likhna pade. You must also write the word dynasty. Kahan kahan bacche bhool jate hain. Sometimes the children forget it. फिर आपस में सेमिनार आदि करते हैं तो करेक्ट करना चाहिए. Then when they do the seminars among themselves, they must correct it. भूलें तो होती हैं. Mistakes do happen. मनुष्यों से ही भूलें होती हैं. It is the human beings that make mistakes. अब भूल तब बनेंगे जब निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे. You will become flawless when you remain in the journey of remembrance continuously. फिर तुम्हारे लिखने में, करने में, समझाने में बड़ी ताकत रहेगी. Then there will be great power in your writing, doing, explaining. जितना याद में रहेंगे उतनी ताकत आती जाएगी. You will feel power in yourselves to the extent you remember. फिर कोई भी लिखत आदि में भूल नहीं होगी. Then there will be no mistakes in your writing, etc. अभी तो बच्चों से भूलें बहुत होती हैं. Now the children make a lot of mistakes. शुरू में भी भूलें ही भूले थी. There were mistakes and just mistakes even in the beginning. अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है. Now there is knowledge in your intellect. शुरू में कोई इतना ज्ञान थोड़े ही था. इन द बिगिनिंग देयर वाजंट सो मच नॉलेज. अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. नाउ यू हैव टू बिकम प्योर फ्रॉम इम्प्योर. बाप कहते हैं माँ में भी माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे. द फादर सेज इफ यू रिमेम्बर मी अलोन योर बैड डीड्स विल बी डिस्ट्रॉयड. बाप ये बात कहते ही रहते हैं. The father keeps saying this. फिर साथ साथ तुमको गुयु गुयु बातें सुनाते भी रहते हैं. Then along with that, he also tells you deep points. ऊंच दर्जा तुम पाते हो. You attain a high position. तो चढ़ते जाते हो. So you go on ascending. दिन प्रतिदिन समझानी मिलती जाती है. You keep receiving explanations day by day. तुम भी फील करते हो आज बाबा ने हमको बहुत अच्छी पॉइंट समझाई. यू टू फील बाबा हैज एक्सप्लेन्ड अ वेरी गुड पॉइंट टू अस टुडे.
और धारण करते बाकी छोड़ना पड़ता है. That should be assimilated inside and all the rest has to be left out. कब अच्छा भोजन मिलता है? Sometimes you receive good food. तो फिर अच्छा भोजन मिलने के कारण हल्का भोजन खाने की दिल नहीं होती. You don't like to eat the lighter food because you received good food. दिल करता है कि हलवा पूरी ही खाते रहे. You wish that you keep eating just halwa puri, that is sweets and fried food. तो ये भी ऐसे ही है. So this is also like that. तुम जानते हो वेद का बाप हमको बहुत मीठी मीठी को ये पॉइंट दिखाते हैं, सुनाते हैं. You know that the unlimited father tells us many sweet deep points. जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो ही समझा सकते हैं. Only those children who understand well can explain to the others. बाप भी समझते हैं, इन पर धारणा अच्छी होती है, ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं. The father too understands, this one assimilates well, these children do good service. बुद्धि किसकी अच्छी खुल जाती है? Someone's intellect opens up well. और किसकी कब डल हो जाती है? And someone's then becomes dull. कोई बल बहुत अच्छा भाषण करते हैं, परंतु क्रिमिनलाई के कारण बुद्धि भ्रमित होती रहती है. Someone may give a very good speech, but due to having a criminal eye, his intellect deviates, that is, comes under illusion. फिर उनका भाषण रिफाइन नहीं होगा. So then his speech will not be refined. बाप का तो सदैव भाषण रिफाइन ही है. The father's speech is always refined. वो है ही रिफाइन करने वाला. He is the one who refines. वो ज्ञान का सागर है ना? He is the ocean of knowledge, isn't he? जैसे सभी अभी समझाते रहते हैं फिर भी समझा लेंगे. Later too, he will explain just like he keeps explaining now. कहते हैं तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स देता हूँ. He says, I give you good points. तो तुमको भी खुशी होती है. So you also are happy. हिम्मत होती जाती है. You develop courage. राजाई स्थापन होनी है, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वो राजाई ऊंच पद पावेंगे. The kingdom has to be established. Those who do good service will receive a high position in the kingdom. कोई तो कुछ भी नहीं समझते. Some do not understand anything. इसके लिए योग भी चाहिए. For this, yoga is also required. याद फर्स्ट है. Remembrance is first. पढ़ाने वाले को याद करना पड़े. The one who teaches will have to be remembered. माया भी बड़ी प्रबल है. माया इज वेरी पावरफुल. याद करने नहीं देती है. वेद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. She doesn't let you remember. The unlimited father says, your bad deeds will be destroyed if you remember me. दिल में खुशी रहनी चाहिए समझाने की. योग नहीं है तो मैनर्स भी नहीं रहते. You should be happy from within to explain. Even if there is no yoga, there are no manners either. अभी तक भी बहुतों के मैनर्स जानवरों से भी बदतर है. जैसे कि ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है. Even up till now, the manners of many are worse than animals. It is as if they have no knowledge at all. वो क्या समझा सकेंगे? What will they explain? नए नए आते हैं, उनको थोड़ा भी समझाओ तो जड़ समझ जावेंगे. The new ones come, they understand immediately if they are explained even a little. तुम्हारे सामने आवेंगे, जट समझ जावेंगे, ये तो बड़ी तीखी है. They will come in front of you,
इमीडिएटली दे विल कम टू नो दैट दिस वन इज वेरी शार्प। फलाने तो ऐसे ऐसे हैं जो समझा ही नहीं सकते। सो एंड सो आर सच दैट दे कैन नॉट एक्सप्लेन एट ऑल। तुम हमको ऐसा समझाया। यू हैव एक्सप्लेन दस लाइक दिस। इसलिए कहते हैं हमको अनुभवी होशियार चाहिए टीचर। दैट इज वाई दे से वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड क्लेवर टीचर। कोई को तो 20 वर्ष में भी कोई अनुभव नहीं होता है। सम डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इवन इन 20 ईयर्स। और कोई को एक हफ्ता में ही सारा अनुभव हो जाता है ज्ञान का। वेर एज सम हैव द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज इन जस्ट 7 डेज। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो दिल से बहुत अच्छी लगती है। दे कीप रिसीविंग न्यू पॉइंट्स सो दे लाइक इट वेरी मच। पुरानियों को धारणा होती नहीं है। द ओल्ड वंस डू नॉट असिमिलेट। और नए नए पट उठा लेते हैं। एंड द न्यू वंस इमीडिएटली ग्रास्प इट दैट इज असिमिलेटेड। याद की यात्रा में न होने से स्वभाव भी बदलता नहीं है। फॉर द रीजन दैट दे डू नॉट रिमेन इन रिमेम्बरेंस इवन देयर बिहेवियर डज नॉट चेंज। जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट चेंज इवन अ लिटिल। और कईयों का स्वभाव बिगड़ता भी है। एंड द बिहेवियर ऑफ मेनी इवन वर्सन्स। पहले पहले तो ऐसा होता था जिसको आधा कल्प याद किया है, अरे वो हमको मिला है तो हमको कितना याद करना चाहिए। एट फर्स्ट इट यूज टू बी लाइक दिस द वन हुम वी हैव रिमेम्बर्ड फॉर हाफ अ साइकिल, अरे वी हैव फाउंड हिम सो हाउ मच मस्ट वी शुड रिमेम्बर हिम। पहली अप्रैल 1900 की वाणी का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 1 अप्रैल 1968। तुम बच्चे समझते तो हो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप हमको मिला है। यू चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड दैट यू हैव फाउंड द फादर द हाईएस्ट ऑन हाई। दुनिया में तो ये बात का किसी को पता ही नहीं है। नोबडी इन द वर्ल्ड नोज दिस। वो समझते हैं कृष्ण ने गीता सामने सुनाई। दे थिंक दैट कृष्णा नरेटेड गीता। अभी तुम बच्चे तो समझते हो। बट यू चिल्ड्रन नो उसको मनुष्य भगवान समझते हैं। पीपल थिंक ही इज गॉड। वो अभी लास्ट स्टेज पर है। ही इज नाउ इन द लास्ट स्टेज। कौन है? कौन लास्ट स्टेज पर है? हु इज इन द लास्ट स्टेज? मनुष्य जिसको गीता का भगवान समझते हैं वो अभी लास्ट स्टेज पर है। द वन हुम द पीपल कंसिडर टू बी गॉड ऑफ द गीता इज नाउ इन द लास्ट स्टेज। अभी फिर फर्स्ट स्टेज पर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ही इज डूइंग एफर्ट नाउ टू गो टू द फर्स्ट स्टेज। और वो भी ड्रामा प्लान अनुसार कर रहे हैं। एंड दैट टू ही इज डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान। अभी तुम भी समझते हो हम आस्ते आस्ते उतरते उतरते अभी तमो प्रधान बने। नाउ इवन यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव बिकम इम्प्योर बाय ग्रेजुअली फॉलिंग डाउन। फिर श्रीमत पर सभी सतो प्रधान स्टेज पर जा रहे हैं। देन वी ऑल आर गोइंग इन टू द प्योर स्टेज विथ श्रीमत। जाना तो सभी को है। एवरीवन हैज टू गो इन डीड। बाप हमको याद दिला करके अमृत बनाते हैं। द फादर रिमाइंड्स अस एंड मेक्स अस इनटू नेक्टर। अमृत पीते हो तो अबूल बन जाते हो। यू ड्रिंक द नेक्टर सो यू बिकम फ्लॉलेस। देवताएं कब कोई भूल या पाप नहीं करते। द डेटीज नेवर कमिट एनी मिस्टेक और सिन। कोई व्यर्थ अक्षर उनके मुख से नहीं निकलता है। No waste word comes out of their mouth.
बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सभी व्यर्थ है। द फादर सेज एवरीथिंग ऑन द पाथ ऑफ रिलीजियस डिवोशन इज वेस्ट। ऐसी व्यर्थ बातों को नहीं सुनो, न सुनाओ। डू नॉट लिसन टू सच वेस्टफुल टॉक, डू नॉट स्पीक इट ईदर। बहुत बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। बाप कहते हैं कभी व्यर्थ मत बोलो। मेनी चिल्ड्रन क्वारल अमंग देमसेल्व्स, दे स्पीक वेस्ट। द फादर सेज नेवर स्पीक वेस्ट। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, सख्त मना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम उनको रिस्पॉन्ड मत करो। इफ समवन स्पीक्स वेस्ट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देम। चले जाओ, गो अवे। परंतु गुस्से में आकर के रिस्पॉन्ड जरूर कर देते। बट यू सर्टनली रिस्पॉन्ड हैविंग बिकम एंग्री। बाप की शिक्षा पर तो कोई झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। नो क्वारल एटसेट्रा शुड टेक प्लेस ऑन द फादर्स टीचिंग। Hear no evil. Hear no evil. इन बातों के अर्थ को दुनिया में कोई नहीं जानते। जो महारथी बच्चे हैं वो समझते हैं व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ बोलना इविल है। Nobody in the world knows the meaning of this. The great warrior children know that they should not speak waste. It is evil to speak waste. एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दे। इफ वन स्पीक्स देन द अदर शुड क्लोज हिज ईयर्स। इससे भी बेहतर है किनारा कर दे। बेटर देन दिस इज टू होल्ड योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम देम। इसमें भूत आता है तो अच्छा नहीं लगता है, किनारा करना अच्छा है। If the ghost enters someone, then it is not good. It is good to refrain from them. नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। Otherwise, the ghost will also enter you. न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। If you do not listen to it, then you will not be distressed. रंज तब होता है जब उसकी कचहरी की जाती है। यू फील डिस्ट्रेस्ड व्हेन द कोर्ट इज हेल्ड ऑन इट। तो बच्चों को खीर खंड होकर के रहना चाहिए। देयरफॉर द चिल्ड्रन शुड लिव लाइक द लैंड ऑफ खीर, दैट इज खीर मीन्स अ स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, शुगर एंड मिल्क। लूल पानी होने की दरकार ही नहीं है, तुम चुप रहो। देर इज नो नीड टू बिकम सॉल्ट वाटर, रिमेन क्वाइट। एक मिसाल देते हैं ना। एन एग्जाम्पल इज गिवन, इजंट इट। दो देवरानी जिठानी लड़ती थी तो उसने कहा मुख में मुलारा डाल दो, तो बोल ही नहीं सकेगी। Two sisters in law quarreled. So she said, put a bead in the mouth, then she will not be able to speak at all. बहुत भूलें हो जाती हैं। Many mistakes are committed. बोल बोल करके थक जाते हैं। They get tired of speaking. फिर उनको पानी पिलाते। Then they are given water to drink. बाप तो रोज समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स डेली। एक दो को भाई भाई देखो, जिसम को देखो ही नहीं। लुक एट वन अनदर एज ब्रदर्स, डू नॉट लुक एट द बॉडी एट ऑल। जिसम को देखेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे किससे। इफ यू डू नॉट लुक एट द बॉडी देन टू होम विल यू टॉक। भाई भाई की दृष्टि रखो तो चुप रहेंगे। If you keep the drishti, that is vision of brotherhood, then you will be quiet.
चुप होने का ही नॉलेज मिलता है। यू रिसीव द नॉलेज टू बी क्वाइट। बाप को याद करो, मुख से कुछ भी ना बोलो, बाप को याद करेंगे पढ़ाई में मस्त रहेंगे। रिमेम्बर द फादर, से नथिंग फ्रॉम द माउथ। इफ यू रिमेम्बर द फादर यू विल रिमेन जॉयफुल इन द स्टडीज। बातें करने की दरकार ही नहीं। देर इज नो नीड टू स्पीक एट ऑल। तो समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हें याद की यात्रा में रह सकते हो। दिस हैज टू बी एक्सप्लेन दैट बाई डूइंग लाइक दिस यू कैन रिमेन इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। सदा संचक्रधारी बन याद याद की यात्रा में रहो। रिमेन इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस बाई बिकमिंग अ स्वदर्शन चक्रधारी, दैट इज द वन हु रोटेट्स द व्हील ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बाप बच्चों के सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और फिर शांति का सागर भी है। द फादर नरेट्स द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द क्रिएशन टू द चिल्ड्रन। ही इज ऑल्सो द ओशन ऑफ पीस। उनके बच्चे हैं। यू आर हिज चिल्ड्रन। तो तुम भी शांति के सागर बन जावेंगे। देन इवन यू विल बिकम द ओशन ऑफ पीस। तुम भी वापस जावेंगे तो तुमको ऐसे ही कहेंगे। When you go back, they will say like this for you too. ये शांति का सागर है, सुख का सागर है। That this one is the ocean of peace, the ocean of happiness. पर तुम तो यहाँ आते ही हो तुबके से बदल करके सागर के बच्चे बनने के लिए। Then you come here anyway to transform from a pond to the children of the ocean. After that, it is each one's destiny. ये सारा ड्रामा मेनूद है। All this is preordained in the drama. बाप कल कल तुमको समझाते हैं। The father explains to you every cycle. बाप की नॉलेज कितनी वंडरफुल है। द फादर्स नॉलेज इज सो वंडरफुल। ये कोई मनुष्य की नॉलेज नहीं है। दिस इज नॉट द नॉलेज ऑफ सम ह्यूमन बींग। वेद का बाप जो निराकार है वो नॉलेजफुल है। द अनलिमिटेड फादर हु इज इनकॉर्पोरियल इज नॉलेजेबल। उनकी ये नॉलेज है। इट इज हिज नॉलेज। और कोई ये नॉलेज दे ही नहीं सकता है। No one else can give this, that is his knowledge. इसको कहा जाता है कहानी बाप की नॉलेज। This is called the story, the father's knowledge. ये ऐसी कहानी है सत्यनारायण की कथा जिसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। This is such a story, the story of the true Narayan, which is called the spiritual knowledge. कितना प्यार से पूजा करते हैं। They worship with so much love. सत्यनारायण की कथा करते हैं। They narrate the story of the true Narayan. जरूर उन्होंने कुछ किया होगा ना? Definitely he must have done something, mustn't he? ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होकर के गए हैं। This Lakshmi and Narayan were the masters of the world. और पवित्र थे। एंड दे वर प्योर। इसलिए अपवित्र मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। सो द इम्प्योर ह्यूमन बींग्स वर्शिप देम। उनके आगे माथा टेकते हैं। दे बाउ देयर हेड इन फ्रंट ऑफ देम। वास्तव में पतित को पतित के आगे माथा नहीं टेकना चाहिए। एक्चुअली एन इम्प्योर पर्सन शुड नॉट बाउ हिज हेड इन फ्रंट ऑफ एनी इम्प्योर पर्सन। कन्याएं भी पवित्र होती हैं, तो सभी उनको माथा टेकते हैं। The kanyas, that is virgins, are also pure. Hence, everyone bows their head in front of them. सन्यासी जो पवित्र रहते हैं वो भी माथा टेकते हैं। The sannyasis who remain pure also bow their head in front of them. फिर कोई कन्या जब पवित्र बनती है तो सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है। Later, when the same kanya becomes impure, she has to bow her head in front of everyone.
सन्यासी भले पवित्र रहते हैं परंतु सदैव पवित्रता तो उनके पल्ले नहीं पड़ती। Although the sannyasis remain pure, they are not able to be always pure. जन्म तो फिर भी उनका विकार से होता है। Still they are born through vices, that is vikar. तो ये है ही पतित दुनिया। So this is certainly the impure world. एवर पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। Nobody can be ever pure. वो तो एक ही बाप है जो सब पतित दुनिया में आने के बाद भी पतित तन में आने के बाद भी एवर प्योर बनकर रहता है। Only one father is such that despite coming in this impure world in an impure body, he remains ever pure. रावण राज के बाद ही ये पतित होते हैं। They become impure only after the kingdom of Ravan begins. उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। That the first half of the kalpa is called the completely viceless world. वो देवताओं की दुनिया है। That is called the world of deities. Viceless world है। It is the viceless world. और ये है vicious world. And this is the vicious world. मनुष्यों की बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि आज सनातन देवी देवता धर्म viceless था। It does not come into the intellect of the human beings at all that the ancient deity religion, that is Adi Sanatan Devi Devta Dharma, was viceless. Semi-viceless. Later, it will be said to be semi-viceless. फिर होते हैं vicious. After that are the vicious ones. अभी तो सब vicious. Now, in fact, everyone is vicious. कलाएं कम होती गई। The celestial degrees went on descending. पुरुषार्थ करके जाना तो चाहिए फुल में, फुल वाइसलेस। You should make effort and go into the full, that is full viceless world. मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो क्यों नहीं फुल वाइसलेस बनना चाहिए? I teach you, then why should you not become fully viceless? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आता हूँ। I come just to make you the master of heaven. पीछे तो सेमी स्वर्ग कहेंगे। पूजा भी पहले अभी विचारी, फिर भी विचारी हो जाती है। After that, it will be called semi heaven. Even worship is at first unadulterated. Later, it becomes adulterated. तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। The father sits and explains all these things. जिन्होंने अभिचारी पूजा की है वो अभिचारी याद में भी टिकेंगे। Those who have performed unadulterated worship will also remain in unadulterated remembrance. और जिन्होंने सिर्फ अभिचारी पूजा की है वो याद भी उनकी व्यभिचारी ही बनी रहेगी। And those who have performed adulterated worship, their remembrance will also remain adulterated. जिन्होंने ज्यादा भक्ति की वो ज्ञान भी जास्ती उठावेंगे। Those who have performed more bhakti will also take more knowledge. और जिन्होंने भक्ति ही कम की वो ज्ञान भी कम उठावेंगे। And those who performed less bhakti will take less knowledge too. कोई ने आदि में भक्ति जास्ती की है अंत में भक्ति बिल्कुल नहीं करते। Some have performed more bhakti in the beginning, they do not perform bhakti in the end at all. तो शूटिंग पीरियड में भी उनका पार्ट भी ऐसा ही चलता है। So their part goes on in a similar way in the shooting period as well. जो बहुत पढ़ेंगे वो ही वाइसलेस वर्ल्ड में जाएंगे। ओनली दोज हु स्टडी अ लॉट विल गो इन टू द वाइसलेस वर्ल्ड। जो फेल होते हैं उनको तो शांति धाम ही मिलता है। दोज हु फेल अटेन ओनली द अबोड ऑफ पीस। ओम शांति। ओम शांति।